तो क्या आपने कभी सोचा है अगर टाइटन टीवी मैन, टाइटन कैमरा मैन और टाइटन स्पीकर मैन एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए तो तीनों की लड़ाई में कौन जीतेगा? वेल, आज हम बूम के यूनिवर्स के इन तीनों टाइटन्स को आप इसमें भिड़ाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आखिर तक कौन टिकेगा। लेकिन लड़ाई से पहले सभी टाइटन्स की जानकारी होनी जरूरी है, तो हम शुरू करेंगे टाइटन स्पीकर मैन से। इसके पास उड़ने के लिए जेट पैक्स है, फायर करने के लिए हैंड कैनन्स है, सोनिक बूम के लिए बड़े बड़े स्पीकर्स और इसकी छाती पे लगे रिएक्टर से एनर्जी बीम भी निकलती है और इसका शरीर भी काफी हल्का और पतला है, तो ऑब्वियसली ये बाकी टाइटन से ज्यादा तेज और फुर्तीला होगा। तो गिन चुन के इसके पास 5 एबिलिटीज है। अगला है टाइटन कैमरामैन। इसके पास भी उड़ने के लिए जेट पैक है और ये भी अपनी छाती से आग निकाल सकता है। इसका राइट आर्म एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हो सकता है और इसके लेफ्ट आर्म पर एक प्लाज्मा कैनन अटैच्ड है। साथ ही ये अपनी उंगली से एक्सप्लोडिंग प्लाज्मा बुलेट भी शूट कर सकता है और इसके पास एक रॉकेट पावर्ड हैमर भी है। एक स्पेशल एबिलिटी और भी है, अगर लड़ाई के दौरान कभी इसका हाथ या पैर टूट जाए तो ये अपने दुश्मन के हाथ पैर तोड़ के अपनी बॉडी पर लगा सकता है। और हाँ, होलोग्राम शील्ड के बारे में तो भूल ही गया था। तो इन टोटल इसके पास गिन चुन के 8 एबिलिटीज है। और अब हम गिनेंगे टाइटन टीवी मैन की एबिलिटीज को। सबसे पहले तो ये उड़ नहीं सकता, लेकिन इसके पास भी जेट पैक है तो ये लंबी लंबी छलांगे जरूर मार सकता है। लेकिन सही बताऊं तो इसे उड़ने की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि ये टेलीपोर्ट हो सकता है और चाहे तो एक छोटा सा पोर्टल भी बना सकता है जिससे ये अपना हाथ कहीं और निकाल सके। और हाँ, ये भी अपनी छाती से पावरफुल एनर्जी बीम शूट कर सकता है। इसके राइट हाथ में एक इंटरलेसिंग ब्लेड है जो कि हर समय डिस्टॉर्शन सिग्नल रिलीज करता रहता है। फिर इसकी 3 स्क्रीन जो कि एनिमीज को स्टन कर सकती है और इसकी बॉडी से डी अटैच भी हो सकती है। इसके शोल्डर पर 2 मेटालिक क्लॉज और सर के ऊपर 2 लेजर गन्स भी लगी हैं। इन सभी को गिनकर इसकी एबिलिटीज भी कुछ 8 ही हो रही हैं। तो अब हमारे पास इन तीनों की एबिलिटीज हैं और बारी है इनको आपस में भिड़ाने की। और मुझे ये बताते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन 80% चांसेस है कि टाइटन स्पीकर मैन लड़ाई हार जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कमजोर है, लेकिन ये इन दोनों जितना ताकतवर भी नहीं है। और ये दोनों टाइटन स्पीकर मैन का क्या हाल करते हैं वो तो हम सभी देख चुके हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि अगर टाइटन स्पीकर मैन अपग्रेड भी हो गया तो भी नहीं जीत पाएगा, क्योंकि ये इन दोनों की तरह बल्कि और ताकतवर नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली टाइटन स्पीकर मैन इस लड़ाई से पहले ही बाहर हो जाता है। अब ये लड़ाई टाइटन टीवी मैन और टाइटन कैमरा मैन के बीच में है, जिनकी फिजिकल स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट एक ही लेवल पर है। तो अगर ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली इनकी लड़ाई ड्रॉ हो जाएगी, यानी कोई भी नहीं जीतेगा। लेकिन खेल तब बदल जाएगा जब ये अपनी एबिलिटीज इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, क्योंकि भले ही टाइटन कैमरा मैन के पास रॉकेट हैमर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आर्म क्यों ना हो, अगर टाइटन टीवी मैन ने इसको फ्लैश कर दिया तो फिर ये स्टन हो जाएगा और इसकी बाकी एबिलिटीज किसी काम की नहीं रहेगी। मान लो ये हमला कर भी दे तो ज्यादा से ज्यादा 1 स्क्रीन तोड़ेगा, 2 स्क्रीन तोड़ेगा, लेकिन तीसरी की चपेट में तो आ ही जाएगा ना। तो भले ही टाइटन कैमरा मैन कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, ये लड़ाई वो जीत ही नहीं पाएगा। और आखिरी रिजल्ट ये निकल कर आता है कि इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा ताकतवर है और जो इस लड़ाई को जीतेगा वो है ज़ोरो। जी हाँ, सही सुना, ज़ोरो। अब ये मत पूछना ज़ोरो कहाँ से आया, क्योंकि जिन्होंने वन पीस देखा है उन्हें पता होगा ज़ोरो हर बार अपना रास्ता भूल जाता है और हमेशा गलत जगह पहुंच जाता है। तो इसी तरह ज़ोरो गलती से इन तीनों की लड़ाई के बीच में आ गया और मजे मजे में इन तीनों को मार दिया। और इसी तरह आज की लड़ाई का हमारा विजेता है ज़ोरो। अगर ज़ोरो ना आता तो टाइटन टीवी मैन पक्का जीत जाता, लेकिन होने को कौन टाल सकता है, जो होना था वो हो गया। बस एक काम रह गया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो कि अगली वीडियो में स्किबिडी टॉयलेट की ब्रेकिंग न्यूज आने वाली है। और अगर आपको डॉम सीरीज की वीडियो देखनी है तो फिर यहाँ पर क्लिक करो, और अगर बूम सीरीज की वीडियो देखनी है तो इधर। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में ताजा स्किबिडी खबरों के साथ। धन्यवाद।